दिल्ली से मैंने ग्रेजुएशन किया, ये मेरी पढ़ाई है। बचपन अलग अलग जगहों पर, जैसे पिताजी की ट्रांसफरेबल जॉब थी तो ट्रांसफ़र होता था, वहाँ वहाँ चले जाते थे। तो फाइनली दिल्ली से ग्रेजुएशन किया। कुछ लोगों ने मिलके कॉलेज से बाहर जो निकले हुए थे, मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने किया था, मैं भी उस ग्रुप का हिस्सा था। बहुत एक्टिव संस्था है वो, और बहुत मशहूर प्लेस किए। अब पता नहीं उनके इस वक्त क्या हालत, मुझे नहीं एग्जैक्टली बता सकता, क्योंकि दूसरे यंगस्टर और सब लोगों ने टेक ओवर कर लिया। एक उन वहाँ एक हैं, वो राजेंद्र नाथ, एक वो डायरेक्टर हैं, वो अभी तक सारे उन्हीं की वजह से शायद अभी तक चल रहा होगा। उस थिएटर की अगर बहुत देन रही होगी तो एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये रही कि उन्होंने पहली बार तय किया था कि हम लोग फॉरेन प्ले नहीं करेंगे और इंडियन प्ले ही ढूंढेंगे। तो इंडिया में उन्होंने प्ले ढूंढने शुरू किए रीजनल लैंग्वेजेस में और मिलते गए। इस खोज में उस थिएटर का बहुत बड़ा हाथ रहा होगा। जैसे बंगाली प्लेस को अगर महाराष्ट्र तक पहुंचाने का श्रेय जाता है तो उस थिएटर ग्रुप अभियान को रहा, क्योंकि वो हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ पहले बंगाली, तो फिर वो मराठी में हुआ, हिंदी वाया मीडिया बन गया। और जैसे मराठी बंगाल में अगर पहुंचा तो वाया हिंदी। तो इस तरह उसके बाद कई थिएटर वालों ने ये कसम खा ली कि हम लोग फॉरेन प्ले नहीं करेंगे, मगर अभी तक वो उस पर कायम है। मुझे नहीं लगता कि इतनी रिजिडिटी भी होनी चाहिए, कि वो एक उस मकसद होता है, मकसद पूरा कर लो तो परंपरा मत बनाओ किसी चीज़ की।